बहुत टाइम से ऐसा हो रहा था कि हम लोग इन सब चीजों को लेके इतने परेशान थे, ये दवा वो दवा। मैं तो बोलूंगी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत रिलीव लग रहा है। अभी ऐसा लग रहा है खाली घर जाऊं और मस्त तकिया लूं और सो जाऊं मस्त मजे में। तो आप बताइए, आपको क्या पेन है? मुझे मतलब कैसा नीज का थोड़ा इशू है अभी कुछ महीनों से, बैक पेन होता है और हाँ ये शोल्डर्स वगैरह में मुझको दर्द होता है। बाकी ऐसा हेड वगैरह का कुछ नहीं। हेडेक वगैरह कुछ नहीं होता ना, चक्कर वगैरह आती है? हाँ और ये पैरों में हाँ आपको जो होता है सो नसें खींचती है और और वो बहुत दर्द बार होता है? ऐसा होता है ना कि मतलब ऐसा नस चढ़ जाती है कि क्या होता है क्या मालूम, तनती है मतलब कैसा। पिल्स वगैरह खाने के बाद भी ना पैर सीधा रख सकती हूँ, ना फोल्ड कर सकती हूँ, ना खड़े रह सकती हूँ। वो ऐसा लगता है जैसे कोई नस है ना ऐसा खींच रही ऐसा है खींच रही, ऐसा जी तन ऐसा। रही है, ऐसा हाँ, ऐसा होता है। और पैर में नमनेस कभी लगता है? सर, खारी चढ़ गई है वैसा, खाली खाली हाँ पैर ऐसा हाँ लगता है? हाँ हाँ ऐसा होता और है यहाँ पे कभी लो कभी। बैक में मिलेगा ना आपको, हाँ उसी की वजह से आपको तकलीफ हो रही है कि वहां से सारी नसें पैरों में जाती है, तो वहां से कहीं ना कहीं नसें आपकी दब रही है, इसलिए आपके पैरों में खिंचाव आ रहा है। ठीक है, अलाइन करें, शुरू करें। यहाँ पे पेन होता है ये एरिया में, हाँ यहाँ पे हाँ यार नीचे ये में। लो बैक में ना। सांस लो, छोड़ो, सांस लो, छोड़ो। एक साइड करवट लो, उस गर्म लगा। अभी कैसा लग रहा है? हल्का अच्छा लग रहा है। लग रहा है? हाँ अभी अपन ऐसे ही गर्दन में सुनाएंगे। लूज, गर्दन का बहुत डर गुड, लगता है। अच्छा हाउ आर यू? क्योंकि ना अपनी इतनी सारी हड्डियों की आवाज सुन के ना बहुत अजीब लग रहा है। हल्का लग, राइट साइड का थोड़ा छोटा है, हल्का दिखाओ, हल्का सा दिखो, यहाँ से, यहाँ से लेफ्ट नहीं को बड़ा, जानू बराबर ये सुन तो, भी तुमको लड़की बराबर मिली लूज, है वो तुम्हारा वाला प्रॉब्लम है सीन। हाँ बोलिए हाँ मस्त, बराबर लूज, हो अच्छा ऐसे हुआ डॉक्टर दूसरी बार खींच के नहीं चुना, नहीं तो बाद में से जाऊंगी बस बोलो ना, जा जा पीछे, जा मैं। पीछे, पीछे दो ले जा। ये देखो बेटर हो गया, थोड़ा माइनर है जो अपन हिप पे से रिलीज करें एकदम। थोड़ा नीचे जा, पकड़ के रखो भाई, हल्का लूज, सांस लो, छोड़ो, रिलैक्स, ठीक है। कहाँ तक गया थी बूटी? गर्दन पीछे बहुत सारी फूटी थोड़ा, गर्दन में पेन होगा, वो मसल पेन है हल्का सा, क्या होता है ना, गर्दन अगर सा ब्लड सप्लाई इतना इंप्रूव हो गया ना, इसलिए आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, मस्त मस्त, रिलैक्स एकदम, हल्का हल्का रिलैक्स, मस्त। ये हमने क्या किया ना, दिमाग ये जो सर्वाइकल होता है ना गर्दन, C5 C6 एरिया होता है, यहाँ से सेंटर बैक चालू होता है थोड़ा सा, तो C5 C6 का जो जॉइंट है ना, वहां से ना बहुत सारी नसें ब्लॉक होती है, और ये नसें सब पीछे जाती है दिमाग में, तो यहाँ से ब्लड सप्लाई जाता है पीछे के दिमाग में, तो क्या होता है, हमने जो ये खोला ना, तो जो दबी हुई नसें थी उधर से खुलेगी, तो ब्लड सप्लाई इंप्रूव होगा दिमाग में, तो काफी बार इसी से हेडेक्स वगैरह क्योर होता है, माइग्रेन क्योर हाँ होता है। मुझे ये प्रॉब्लम बहुत हाँ, थी। अगर वो चक्कर आती है ना जो, तो यहाँ से हाँ सप्लाई अच्छी होगी ब्लड सप्लाई दिमाग में, तो ब्लड सप्लाई नींद जैसा लग अच्छी रहा हो। और चक्कर भी अभी कम होगी इससे, अच्छा लग रहा है? हाँ अभी वो जो तो बोल रहे थे दर्द हो रहा है अभी हो रहा है, नहीं तभी इसका दिमाग स्लो हो जा रहा है, जाम हो जा रहा है अंदर।
सीधा नहीं हो जा रहा दिमाग, तो बहुत तेज चलता है मेरा। जाएंगे। बेटर लग रहा है? अगला आपका एक्सपीरियंस कैसा था, कैसा लग रहा है आपको? मैं तो बोलूंगी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत रिलीव लग रहा है, और बहुत सी जगह पे ऐसा सुकून लग रहा है ना, कहीं कहीं पे हड्डियों में जहां पे ऐसा लग रहा था पहले बहुत पेन था, अभी ऐसा लग रहा है खाली घर जाऊं और मस्त तकिया लूं और सो जाऊं मस्त मजे में। तो मैं उसको अपनी तरफ से एक नाम देना चाहूंगी, वो क्या फांसी वाला स्टेप, पर वो बहुत अच्छा था, उससे पूरी हड्डी पीछे की जो पूरा जो पूरी बैक का था ना, स्पाइन। हाँ पूरा पेन गया उसमें, और बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि बहुत टाइम से ऐसा हो रहा था कि हम लोग इन सब चीजों को लेके इतने परेशान थे, ये दवा वो दवा, और इतनी सारी कहते हैं ना कैल्शियम विटामिन्स की टैबलेट्स हो गई, पाउडर्स हो गए, ये ऑलरेडी इतना खा चुके हैं पर फिर भी इनको कोई रिलीफ नहीं। नहीं नहीं भाई आपका काम बहुत अच्छा है माशाल्लाह, और हम तो यही दुआ देंगे कि आप और आगे बढ़ो, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर हमें कोई ऐसी अगर कोई इशू होगी तो मैं सबसे पहले आपसे कंसल्ट जी करूंगी, जी भाभी से कंसल्ट करना चाहूंगी किसी भी चीज को लेकर के। बिल्कुल, ऐसा मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं तो 10 out of 10 दूंगी, मैं थैंक सीधा यू। बोलती हूँ, क्योंकि मैं सेकेंड टाइम फिर आना चाहूंगी जब भी मुझे कहीं भी दर्द होगा, पर थैंक यू सो मच।